दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द फैक्ट्रिक वर्ल्ड की इस लग्जीरियस होम सीरीज में। आज के इस मॉडर्न दुनिया में बहुत से ऐसे आविष्कार हो चुके हैं जो कि हमारी डेली लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं। घरों के लिए ऐसे स्मार्ट आइडियाज और स्पेस सेविंग फर्नीचर बनाए गए हैं जो कि हमारे लाइफ को इंजीनियस तो बनाते ही हैं और साथ ही साथ हमारे घर का काफ़ी जगह भी बचा देते हैं। इसीलिए आज हम स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं घरों के लिए ऐसे नेक्स्ट लेवल के इन्वेंशंस जो कि आपके लाइफ को काफ़ी लग्जीरियस बनाने वाले हैं। इन अमेजिंग इन्वेंशंस को घर में असेंबल करवाने से आप काफ़ी कंफर्ट तरीके से रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल वीडियो को जिसका टाइटल है अमेजिंग इन्वेंशंस दैट विल अपग्रेड योर होम। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल है जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं ऑटोमेटिक कार वॉशर। हमारी गाड़ियां बाहर चलने से या फिर घर में खड़े होने से भी उनमें धूल या मिट्टी जम जाती है जिसको हाथ से सफाई करने में बहुत ही समय और मेहनत लग जाती है। इसी चीज़ के लिए ये ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मशीन कार की सफाई करने के लिए बहुत ही इंजीनियस वर्क करता है। इस मशीन में ब्रश लगे होते हैं जो कि चारों तरफ रोटेट करके कार की सफाई कर देते हैं। साथ ही वाटर प्रेशर को ऐड किया गया है जिससे कि कार की धुलाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। धुलाई हो जाने के बाद इसमें हॉट एयर पास होता है जिससे कि कार में लगा पानी सूख जाता है और कार एकदम फ्रेश हो जाती है। दोस्तों ऐसे कार वॉशिंग मशीन हमारे कार के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है जिससे कि गाड़ियों की सफाई बहुत ही कम समय में और आसानी से हो जाती है। ऑटोमेटिक होम लिफ्ट। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। उम्र हो जाने से उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है जो कि समस्या का कारण बनता है। इसका सबसे बेस्ट आइडिया है यह इलेक्ट्रिक होम लिफ्ट। यह लिफ्ट बुजुर्गों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है जिससे कि उनको ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। यह लिफ्ट फुली ऑटोमेटिक है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। साथ में यह बहुत ही कम जगह कैप्चर करती है जिससे कि आप इसे घर में असेंबल करवा सकते हैं। इस लिफ्ट के द्वारा दूसरे फ्लोर में पहुंचने के बाद आप इसके स्विच को डाउन कर सकते हैं जिससे कि यह लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। यह चारों तरफ से ग्लास से पैक है जिसमें कि आप अंदर जाने के बाद आप इसके ग्लास के बने डोर को बंद कर सकते हैं। यदि आपको नीचे आना है तो आप इसके डाउन बटन के स्विच को दबाकर आसानी से नीचे आ सकते हैं। दोस्तों ऐसे लिफ्ट हमारे घर के बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है यदि वह सीढ़ियाँ चढ़ने के कैपेबल नहीं है तो। वुड पुल। दोस्तों यदि आपको हमारी तरह पुल में नहाना पसंद है और आपके घर में पुल नहीं है तो आप इस वुड पुल को घर ले जा सकते हैं। यह पुल लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको असेंबल करना बहुत ही आसान है। इसे आप खुद से भी असेंबल कर सकते हैं। इसमें पाइपलाइन का सिस्टम जुड़ा हुआ है जिसमें आप अपने घर की टंकी से कनेक्ट करके इस पुल में पानी भर सकते हैं। इसके ऊपर पॉलीथीन का कवर लगा दिया गया है जिससे कि पानी में धूल और मिट्टी नहीं पहुँचती है और पानी गंदा नहीं होता है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप कहीं पर भी असेंबल कर सकते हैं। वीकेंड्स में जब आपको टाइम मिलता है तो आप इस वुड पुल को घर के बाहर के साथ साथ अंदर भी असेंबल कर सकते हैं और घर पर ही पुल का मजा ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे पुल में खेल के साथ साथ एंजॉय करने में कितना मजा आएगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। स्टैंडर्ड फोल्डिंग टॉयलेट। घर में जो नॉर्मल टॉयलेट होता है उसमें अक्सर स्मेल आती है और यह समस्या हमारे घर में हमेशा बनी रहती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोटा कंपनी ने इस फोल्डिंग टॉयलेट को बनाया है। इस टॉयलेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसको यूज़ करने के बाद फोल्ड करके अटैच कर सकते हैं और अटैच करने से यह बंद हो जाता है जिससे कि बदबू जैसी कोई समस्या नहीं होती है। इसको यूज़ करने के बाद फ्लश आउट करने में पानी बहुत ही कम लगता है। कंपनी के द्वारा बताया गया है कि इसको एक बार यूज़ करने में सिर्फ 2.5 लीटर पानी का यूज़ होता है और साथ ही साथ ये स्पेस सेविंग का काम करता है जिससे कि हमारे बाथरूम का काफ़ी जगह बच जाता है और उस जगह के यूज़ करके हम अपने बाथरूम में बाकी चीज़ें असेंबल करवा सकते हैं। स्टेप अप लिफ्ट। दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की ज़रूरत हिसाब से यह कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का स्टेप अप लिफ्ट। यह लिफ्ट बहुत ही शानदार है और इसको मॉडर्न फीचर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप खड़े होकर आसानी से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं। इस स्टेप अप लिफ्ट में सेंसर्स लगे होते हैं जिससे कि यदि कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करके आसानी से रुक जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। यह लिफ्ट फुली ऑटोमेटिक है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इसमें हाईटेक सेंसर्स लगे होते हैं जिससे कि कोई खतरा नहीं होता है। इसको असेंबल करवाने के लिए अलग से कोई जगह देने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपनी सीढ़ी के साइड में असेंबल करवा सकते हैं जो कि दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए बहुत ही इंजीनियस वर्क करता है। इस स्टेप अप लिफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मल्टी फंक्शनल बेड। यदि आपके घर में स्पेस कम है और आप स्मार्ट बेड की तलाश में हैं तो आप इस मल्टी फंक्शनल स्मार्ट बेड को असेंबल करवा सकते हैं। इस बेड को बहुत सारी फीचर के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसमें सोफ़ा को भी अटैच किया गया है। स्टोरेज स्पेस का सिस्टम दिया गया है जिसमें कि बुक्स और जरूरत चीज़ें रखने के लिए पर्याप्त जगह है। इसके साइड में रेस्ट चेयर को ऐड किया गया है जिसमें आप बुक्स पढ़ने के साथ साथ अपने ऑफिस के काम को भी कर सकते हैं।
यदि आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें बहुत ही कंफर्ट तरीके से रेस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट का सिस्टम दिया गया है जो कि आपके बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। साथ ही बेड के नीचे स्टोरेज स्पेस दिया गया है जिसमें कि आप पिलो या फिर कवर सीट वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे घर में स्पेस कम हो तो ऐसे स्पेस सेविंग फर्नीचर काफ़ी ज़रूरी होते हैं जिससे कि हमारे घर का स्पेस बच जाता है और हम बाकी चीज़ें रख पाते हैं। तो दोस्तों ये थे घर के लिए इमेजिंग इन्वेंशंस और होम आइडियाज़। इन सभी में से सबसे बेहतर इन्वेंशन आपको कौन सा लगा और कौन सा होम आइडिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारी इस वीडियो के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है। पिछली वीडियोस में अपना प्यार दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन में आपको दो और वीडियोज़ दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।